हाय फ्रेंड्स, इट्स मी संध्या ठाकुर, योर चाइल्ड्स मोटिवेटर एंड टीचर। टाइनी सीड में आपका फिर से स्वागत है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू फाइव सिंपल एक्टिविटीज फॉर फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पेरेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि फाइन मोटर स्किल्स होते क्या हैं और इनको कैसे डेवलप किया जाता है। तो फाइन मोटर स्किल्स मीन्स स्मॉल मसल्स डेवलपमेंट ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स विद आई कोऑर्डिनेशन। मतलब जो भी एक्टिविटीज जब हम देते हैं जिसमें हाथों का और आंखों का यूज होता है उनको फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं। और फाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिससे हम बच्चों की जो फाइन मोटर है उनको हम डेवलप करते हैं, लेकिन सारी एक्टिविटीज को एक साथ दिखाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री करके मैं आपके लिए वो एक्टिविटीज सारी लेकर आऊंगी। पर जब भी पेरेंट्स आप एक्टिविटीज देते हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे आप इनको कॉमन इंस्ट्रक्शंस ले लो और चाहे आप इसको ट्रिक्स एंड टिप्स के तरह भी आप यूज कर सकते हो। तो पेरेंट्स, जब भी आप एक्टिविटी देते हो तो सबसे पहले आपको बच्चों को एक्साइटेड करना है कि यार कुछ हम अच्छा करने वाले हैं, और उनको ये बोलना है कि हम गेम खेलेंगे, उनको ये नहीं बोलना है कि हम एक्टिविटी करेंगे या पढ़ाई करेंगे, क्योंकि बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है। और आप प्ले वे मेथड से उनको सारी एक्टिविटीज दोगे और इस तरह से उनमें जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ेगी, राइट। और इनिशियली जब आप एक्टिविटी देते हो तब उस एक्टिविटी को आपने 5 to 7 मिनट ही देना है। इसका एक ही रीजन है कि अगर आप एक्टिविटी को स्ट्रेच करते हैं, लाइक उसको बढ़ाते हैं, तो बच्चे के जो मसल्स हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, और अगर ये सॉफ्ट होते हैं तो उनके हाथ बहुत जल्दी थकते हैं, राइट। तो ऐसा ना हो कि हम इन मसल्स को डेवलप करने के बजाय जो है वो ज्यादा लंबी एक्टिविटी देने से उनके इन मसल्स को डैमेज कर दें, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप शुरू में 5 मिनट के और 7 मिनट के बीच में दोगे, ग्रेजुअली आप देखोगे कि बच्चा जो है वो धीरे धीरे जो है वो उसका टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा जैसे ही वो इंटरेस्ट दिखाएगा, तो इस बात का आपको पूरा पूरा ध्यान देना है। और सेकंड थिंग है कि 5 और 7 मिनट की बात है पेरेंट्स, इतना ज्यादा लंबा टाइम नहीं है कि आप बच्चे को टाइम नहीं दे सकते हैं। आप बच्चे के साथ बैठिए और इस एक्टिविटी को, कोई भी एक्टिविटी आप करवा रहे हो तो आपको उसको फिजिकल प्रॉम्प्ट देना बहुत जरूरी है, उसको डेमोंस्ट्रेशन देना बहुत जरूरी है। जब बच्चा, आपको लगता है कि बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, अच्छे से कर रहा है और वो अच्छे से सीख गया है, तब आप वो डेलिबरेटली ऐसी मिस्टेक करो कि बच्चे को ये लगना चाहिए कि मम्मी और पापा को तो ये एक्टिविटी आती नहीं है, तो बेटर है कि मैं तो मम्मी और पापा से अच्छी एक्टिविटी करता हूँ। तो ये सब चीजें छोटी छोटी मोटिवेशन है जो बच्चे को आपको देना है, राइट। साइड बाई साइड आप उसकी फाइन मोटर भी डेवलप कर रहे हैं। तो जो आज की एक्टिविटीज है पेरेंट्स, वो 1.5 साल से लेके तो 4 साल के बच्चे को आप दे सकते हो। बस ये डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का लेवल क्या है और उसकी कैपेबिलिटी क्या है। लाइक अगर 1.5 साल का बच्चा उसी सेम एक्टिविटीज को कैसे करेगा और 4 साल का बच्चा जो है उस एक्टिविटी को कैसा करेगा, वो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। वो आपको मैं एक्टिविटीज में आपको पता चल जाएगा जो मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ, राइट। और पेरेंट्स, जो ये जो फाइन मोटर डेवलपमेंट, जो फाइन मोटर स्किल्स रहते हैं ना, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो क्या होता है पता है, कि बच्चा एक तो सेल्फ फीडिंग सीखता है, राइट। वो स्पून हाथ से पकड़ेगा और मुंह में डालेगा, फिर दोबारा नीचे देखेगा, इट मीन्स उसके आईज का भी वो कोऑर्डिनेशन जो है वो डेवलप हो रहा है। और सबसे मेजर जो इसका बेनिफिट है वो है राइटिंग स्किल्स, जो हर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा कितनी जल्दी लिखना शुरू कर दे। मतलब पेरेंट्स के लिए तो अल्फाबेट जो है वो उसका स्टार्टिंग पार्ट है, राइट। तो अगर बच्चे का फाइन मोटर स्किल्स जो है बहुत अच्छा है तो उसको कहीं भी रिटन में डिफिकल्टी नहीं होती है। और जो फाइन मोटर स्किल्स में एक्टिविटी दी जाती है ना, वो मैक्सिमम हम 3 फिंगर्स का यूज करते हैं। इन 3 फिंगर्स को जो है हम डेवलप करते हैं और इनको हम पिंसर ग्रिप भी बोलते हैं, राइट। तो ऐसी एक्टिविटीज देनी है जो इन 3 फिंगर्स का मैक्सिमम यूज हो। तो पेरेंट्स, जो मैं आज आपके लिए एक्टिविटीज लेके आई हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टेड है, आप इनको देखिए। और फिर आप एक्टिविटी करवाने के बाद अगर आपको लगता है कि एक्टिविटीज बहुत अच्छी हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जो है इसका फीडबैक जरूर देना, सो दैट मुझे ऐसा लगे और मुझे भी ये लगे कि मैं और अच्छी एक्टिविटीज आपके लिए लेकर आऊं। इसको ना अभी चुप रहना, ठीक है? कीप साइलेंट, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर स्टार्ट करें। से हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। वेरी गुड। दक्षित और पार्थ आज हमें ये एक्टिविटी करके दिखाएंगे। तो मैंने पता क्या किया है, जो मामा रोटी बनाती है ना, मैंने वहां से थोड़ा सा आटा ले लिया है। क्या ले लिया? आटा ले लिया और उसमें थोड़ा सा मैंने रेड कलर डाल दिया। सी, ये क्ले के जैसे लग रहा है ना। हाँ, तो मामा आप भी ऐसे ही करोगे, थोड़ा सा उसमें रेड कलर डाल दो और जैसे ही मामा रोटी बनाती है ना, उस टाइम हम थोड़ा थोड़ा ऐसे आटा ले लेंगे।
देखो ये पार्थ का, पार्थ ले लो, एंड ये मैम का, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे से रोल करो। देखो पेरेंट्स, जब ये बच्चे ऐसे रोल कर रहे हैं, इनके मसल्स में जो है वो जोर पड़ रहा है, और इस तरह से इनका फाइन मोटर जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है, और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। मज़ा आ रहा है? यस, ऐसे लंबा कर दो, लंबा कर दो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड पार्थ, वेरी गुड। नाउ हम इसकी ना छोटी छोटी ऐसी बॉल बना सकते हैं, तो बच्चा जो भी शेप देना चाह रहा है उसको वो शेप देने दो। आप उसको इनिशियली ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे, वो जो करना चाह रहा है उसको करने दो। सो इस तरह से आप बॉल बनाओ। मम्मा रोटी बनाती है तो ऐसे बॉल बनाती है, बनाओ। यस यस, ले लो ले लो, जल्दी जल्दी ले लो। और जब अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है, उसको बॉल बनानी है, तो आप ऐसे छोटे छोटे पीसेस करके उसको प्रॉम्प्ट, फिजिकल प्रॉम्प्ट दे सकते हो। और आप ऐसे हाथ से भी कर सकते हो, आप ऐसे टेबल में भी कर सकते हो, गोल गोल। देखो मैं भी कर रहा हूँ। और मम्मी की रोटी बना दो ऐसे गोल गोल। यस, इसको प्रेस करो। देखो जैसे ये प्रेस कर रहे हैं फिंगर्स के साथ, ऐसे फिंगर्स के साथ करना है, ऐसे प्रेस करो। जैसे ये फिंगर का यूज़ कर रहे हैं, इनकी फाइन मोटर स्किल बहुत अच्छे से डेवलप होती है। इस तरह से आप कोई भी शेप बच्चे को दे सकते हैं। लाइक अभी मैम देखो इसका स्नेक बना देगी, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। सो बच्चे को धीरे धीरे आपने सिखाना है, ऐसा कोई वो नहीं है कि बच्चा एक ही दिन में सीख जाएगा, धीरे धीरे। ये देखिए ये क्या बना, देखो स्नेक, स्नेक। मजा आया? से थैंक यू मैम। सो सेकंड एक्टिविटी जो है हमारी, वो फिर से मम्मा की चीज का हम यूज करेंगे। मम्मा की बिंदी लेंगे, दिखाओ तो बिंदी दिखा दो, दिखाओ बिंदी, बोलो ये है मम्मा की बिंदी, एंड ये पार्थ के लिए है, ठीक है। और पेरेंट्स आप ऐसे कोई भी पेपर, पेपर में लेके आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हो। मैंने सिंपल सा एक सर्कल बनाया है, राइट। तो इस सर्कल को अभी हमने क्या करना है, यहाँ से आप बिंदी निकालोगे। ये बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, हमें लगता है कि बहुत ईजी है, हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को टाइम लगता है। ऐसे ऐसे करके वो सर्कल के ऊपर स्टिक करो, जल्दी जल्दी दिखाओ मैम को। वेरी गुड पार्थ। अब और सारी बिंदियाँ निकाल के इसमें स्टिक कर दो। आप इसको इनसाइड भी करवा सकते हो, अगर बच्चे का फाइन मोटर स्किल्स बहुत अच्छा है तो बच्चा पूरा सीक्वेंस में ऐसे करेगा। तो इनिशियली जैसे भी वो कर रहा है उसको करने दो। हाँ जल्दी से स्टिक कर दो, फटाफट स्टिक करो, फिनिश करो इसको। आप इससे देखो कि उसकी वो फिंगर, जो तीन फिंगर है जिसमें जो रिटर्न के लिए हमारी यूज होती है, बच्चा उसी को यूज कर रहा है और बच्चा बहुत एंजॉय करता है। यस वेरी गुड। ये खत्म हो गया इसका, ठीक है। हाँ। चलो से हाय, मजा आया? ये लगा दो, लगा दो। देखो बच्चे के हाथ में स्टिक हो गया, वेरी गुड। यस दिखाओ, तो ऐसे दिखा दो, कैमरे की साइड दिखाओ, कैमरे की साइड दिखा दो। यस मजा आया, गिव मी हाई फाइव। यस नेक्स्ट एक्टिविटी, जो हम रिंग्स करते हैं ना, तो रिंग्स के साथ नहीं, हम बैंगल्स के साथ करेंगे, जो हमारे पास घर में ही रहती है। ये मम्मा की बैंगल्स, यहाँ पर मम्मा की बैंगल्स भी यूज़ होगी। यहाँ पर मैम अपने बच्चों के लिए बैंगल्स लेके आई है, और ये देखो ये मैंने जो अपना फॉइल पेपर का अंदर वाला रोल होता है उसको कट करके दो पीस में कर दिया है, और नीचे इसमें ये ऐसे करके कोई भी आप हार्ड पेपर लेके उसको स्टिक कर देंगे, राइट। सो इस तरह से हम बच्चों को दे देंगे, और यहाँ पर हम कलरफुल बैंगल्स रख देंगे, एंड लिसन, हम ऐसे उठाएंगे, वन बाय वन उठाओ और इसमें डालो, स्टार्ट स्टार्ट। काउंट करना भी आप काउंटिंग भी कर सकते हो दक्षित। यस अब इस, हाँ इस तरह से जिस बच्चे को, डेढ़ साल के बच्चे को आप बहुत आराम से इस एक्टिविटी को दे सकते हैं। अगर डेढ़ साल के बच्चे को दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको काउंटिंग नहीं आएगी, लेकिन बच्चा अगर चार साल का, तीन साल का, और उसको काउंटिंग आती है, तो देखो वो कितने अच्छे से काउंट कर रहा है। दक्षित पार्थ, आप भी काउंटिंग आती है आपको? हाँ। तो करो, वन टू करो। इस तरह से आप काउंटिंग भी बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं, और बीच बीच में उससे अगर आपको उसको कलर आता है तो आप कलर भी पूछ सकते हो। और बच्चे इस एक्टिविटी को बहुत एंजॉय करते हैं, आप इस एक्टिविटी को देख के देखिए। शुरू शुरू में आपको लगेगा कि पांच, यस यस वेरी गुड। ये कौन से कलर का बैंगल डाल दिया बेबी आपने? मैंने ब्लैक कलर। अरे वाओ ब्लैक कलर, यस जल्दी जल्दी डालो, जल्दी डालो, डाल दो डाल दो।
डालो, वेरी गुड वेरी गुड। यस यस, देखो बच्चे की एक्साइटमेंट देखो, वो कितने बिजी हैं और ये बहुत एंजॉय करते हैं। और इस एक्टिविटी को जरूरी नहीं है आपने टेबल में देना है, आप कहीं भी बच्चे को बेड में बैठ के भी आप ये एक्टिविटी दे सकते हैं। और अगर आपके पास, यस वेरी गुड, और अगर आपके पास ये रोल नहीं है तो आप जो है कोई भी, अगर आपके पास डीओ का ऐसा कुछ भी, अगर आपके पास डीओ का ऐसा है कोई भी, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। अगर पतली बोतल है तो आप बोतल भी यूज़ कर सकते हो। अभी बच्चों ने डाल दिया, अब इनको हमने निकालना भी सिखाना है, तो अब इसको निकालो भी तो सही, ऐसे करके जल्दी से रखो, तभी एक्टिविटी पूरी होगी हमारी। यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो अभी जिस बच्चे को सिंगल सिंगल नहीं उठा पा रहा है, मीन्स उसके अभी जो फाइन मोटर है वो अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ। देखो पार्थ ने फर्स्ट आने के चक्कर में सारा एक साथ निकाल दिया, तो इट मीन्स इसको हम धीरे धीरे बताएंगे कि वन बाय वन हम कैसे निकालेंगे। हम एक एक करके निकालेंगे पार्थ, एक एक करके। यस, जब भी आप इसको धीरे धीरे आप दोगे, यस, और पार्थ 10 दिन के बाद आप देखोगे कि पार्थ इसको एक एक करके निकाल रहा है और एक एक करके डाल रहा है। इस तरह से इनके जो ये फिंगर्स हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। ये गिव मी हाई फाइव, फट आ गया। अगली वाली एक्टिविटी करेंगे ना, देखो मम्मा राजमा बनाती है, दाल बनाती है घर में, राइस के साथ देती है। अभी इसको हम क्या करेंगे, अभी रुकना, हाँ रुकना, मैम बताएगी। ऐसे आप बच्चों को जो है वो अलग से कंटेनर में डाल के दाल दे दो और ऐसे उनको कंटेनर दे दो। आप इंडिविजुअली बच्चे को दे सकते हैं, ये तो फ्रेंड्स में कर रहे हैं क्योंकि इनको एंजॉय कर रहे हैं इस एक्टिविटी को। एंड पार्थ रुको, वेट वेट, आई विल शो यू। और बच्चे को आपने एक बार डेमोंस्ट्रेशन देना है कैसे करना है, बार बार नहीं, उसको टोकना नहीं है कि नहीं ऐसे करो ऐसे करो। इनिशियली बच्चा मुट्ठी में ऐसे उठा के डालेगा, लेकिन आप पहले उसको बता दो कि आप एक एक ऐसे ऐसे करके उठाओगे एक दाना, ठीक है, ऐसे एक दाना उठाओ इसमें डालो। देखो साउंड आ रही है, साउंड भी आ रही है, वाओ वेरी गुड, यस यस ग्रेट, यस यस, ऐसे करके। और आप काउंट भी कर सकते हो, वन यस टू। ये देखो अभी पार्थ थोड़ा सा चीटिंग कर रहा है हमारे, क्योंकि उसको कंटेनर बहुत जल्दी भरना है, तो बच्चा ऐसा करेगा, लेकिन वो एंजॉय कर रहा है। उसकी एंजॉयमेंट देखो, उसकी एक्साइटमेंट देखो, राइट, वेरी गुड। ऐसे मुट्ठी में भर के नहीं करना, हम एक एक करके ऐसे उठा के करेंगे। इनिशियली बच्चा मुट्ठी में ही उठाएगा, क्योंकि ये एक्टिविटी इन बच्चों के लिए बिल्कुल न्यू है, तो आप इस बारे में मत सोचिए कि नहीं हमने एक एक करके डालना है। डालने दो उनको, वो एंजॉय कर रहे हैं। सेकेंड टाइम आप जब करवाओगे तब अपने आप उसको आ जाएगा। इस तरह से आपने देखो, अगर वो बच्चा ऐसे उठा के डाल रहा है तो उसकी ये फिंगर्स जो है वो डेवलप हो रही है, राइट। दे दो, गिव मी हाई फाइव। आवाज नहीं करनी है, ठीक है, सिर्फ मैम की आवाज आएगी, राइट। तो बच्चों को जैसे ही आप एक्टिविटी दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको उसकी साउंड, आपकी साउंड जो है वो ऊपर नीचे जानी चाहिए, सो दैट उनको एक्साइटमेंट हो कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी जो है वो, कौन सा प्ले हम करने वाले हैं, कौन सी गेम जो है मम्मी पापा मेरे साथ खेलने वाले हैं। तो पेरेंट्स, मैंने बहुत बार ये देखा है, इवन मैं भी ऐसा ही करती थी कि जब ये बिस्लरी की बोतल और ये छोटी छोटी बोतल्स होती थी, हम इनको फेंक देते हैं, लेकिन इनका यूज़ बहुत अच्छा रहता है। बच्चे का रिस्ट से लेके आगे तक का जो मूवमेंट है वो बहुत अच्छा रहता है, उससे इसकी बहुत अच्छी डेवलपमेंट होती है। तो आप देखोगे कि इसको वो कैसे प्रेस करेगा, तो देखना। अभी मैं ये पार्थ को, पार्थ के जो फाइन मोटर है वो इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं, तो इसको हम बिस्लरी वाला देंगे, क्योंकि बिस्लरी की जो बोतल है उसका प्लास्टिक थोड़ा सा पतला रहता है। दक्षित के जो फाइन मोटर है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो चुके हैं, तो इसको हम थोड़ा सा हार्ड वाले देंगे। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे की कैपेबिलिटी के हिसाब से और बच्चे के लेवल के हिसाब से इस एक्टिविटी को दे सकते हैं। अभी देखो हम बच्चे को बोलेंगे कि प्रेस करो, प्रेस, सी सी, यहाँ से देखो इनका प्रेशर पड़ रहा है पूरा आगे तक, ये देखो यहाँ से पूरा रिस्ट का भी, यस यस यस, मजा आया, यस, छोड़ दो छोड़ दो। नाउ यू कैन सी कि यहाँ से लेके तो आगे तक बच्चे का प्रेशर पड़ा है। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है पेरेंट्स, इसको घर में आप देख के देखो, आप एंजॉय करोगे और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है साउंड के साथ जब ये एक्टिविटी और इसको प्रेस करते हैं, तो ये बहुत एंजॉय करते हैं। थैंक यू। आई होप पेरेंट्स आपको ये एक्टिविटीज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा उन पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं।